हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि गूगल फोटोज़ में बैकअप एंड सिंक क्या होता है, इसको ऑन करने के क्या फ़ायदे होते हैं, यदि आप इसे ऑन करके रखते हैं तो इन फ्यूचर आपको कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, और आपको इसको ऑन ऑफ रखने से क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और कंप्लीट बैकअप की सेटिंग भी आपको जानने को मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप भी बैकअप ऑन करना चाहते हो तो इसकी सेटिंग सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका मोबाइल डाटा बिल्कुल भी नहीं बचेगा, पूरा दिन का सारा डाटा खत्म हो जाएगा केवल 2 से 3 वीडियो का बैकअप लेने में ही। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो गूगल फोटोज़ में बैकअप आसानी से आप कर पाओगे, वो भी कम MB पे, और दोस्तों इसके फायदे जान जाओगे तो आप हैरान भी रह सकते हो। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ फ़ायदे ही दिखा देता हूँ गूगल फोटोज़ के। तो आप देख सकते हो जो मैंने बैकअप ऑन किया था, तो आज से 2015 तक के कम से कम 8 से 10 हज़ार फोटोज़ यहाँ पर हमारी सेव हैं दोस्तों। और ये जब से मैंने मोबाइल लिया तब से लेकर दोस्तों अब तक मैंने सारा बैकअप लेके रखा है, और ये फ़ोटोज़ वीडियोस सब कुछ हमारे गैलरी से डिलीटेड है, लेकिन फिर भी हमारे गूगल फोटोज़ में आपको शो कर रही हैं। तो भी फ़ायदा यही है फ्रेंड्स, इन फ्यूचर कभी आपसे मोबाइल गुम जाता है या सारी फ़ोटो डिलीट हो जाती हैं आपके गैलरी से कुछ भी किसी भी कारण से, तो गूगल फोटोज़ में फ़ोटो आपको मिल जाएंगे, चाहे वीडियो हो चाहे फ़ोटोज़ हो, सब कुछ आपको मिल जाता है, यही बैकअप के फ़ायदे हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर यदि आप बैकअप कर रहे हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है गूगल फोटोज़ की बैकअप एंड सिंक की, तो वो आप देख लीजिए पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको वही मेल आईडी डाल के रखनी होती है, इन फ्यूचर जब भी आप दूसरे फ़ोन पर चाहते हो अपनी फ़ोटोज़ को लेना या फिर देखना, तो आपको इसी मेल आईडी का पासवर्ड, मेल आईडी पता होनी चाहिए। आपको इस मेल आईडी को कभी भी नहीं भूलना है, इस मेल आईडी को हमेशा ध्यान में रखना जो आप गूगल फोटोज़ पर रखोगे। अब नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है बैकअप इस ऑफ, तो मैंने इसको ऑन कर रखा था, इसको आप समझाने के लिए मैंने इसे ऑफ किया है कि ऑन कैसे करते हैं, चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं दोस्तों, उस सेटिंग को यदि आप सीख जाओगे तो आप पूरा कंप्लीट सेटिंग सीख जाओगे गूगल फोटोज़ में बैकअप लेने की। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हम इसको बैकअप ऑफ पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस होगा, और यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, बैकअप सेटिंग पर जाते हैं, बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन आ जाता है आपके सामने। जैसे आप बैकअप एंड सिंक के ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो देख सकते हो आप इस तरह से आपके सामने कुछ आ जाता है मेल आईडी पता करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी सेलेक्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 11 GB भर चुकी है 15 GB में। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ नीचे 3 सेटिंग है, इन सेटिंग को यदि आप सीख लेते हो तो बैकअप ऑन करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। यही बैकअप की कंप्लीट सेटिंग है, यहीं पर आप यदि सीख जाते हो दोस्तों तो आप कंप्लीट मोबाइल डाटा को बचा पाओगे, फोटोज़ वीडियोस का बैकअप भी आसानी से ले पाओगे, सब कुछ आपको यहीं से मैनेज करना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपलोड साइज़ पर हम पहले क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं ओरिजिनल क्वालिटी में आप कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते हैं जो, तो वो होता है दोस्तों 100-200 MB का। तो 4 से 5 वीडियो का यदि आप बैकअप क्रिएट करोगे, 1.5 GB आपका डेली का ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, आपका 1 MB भी नहीं बचेगा कुछ और सोशल मीडिया चलाने के लिए। तो यहीं पर आपको मेन सेटिंग करनी होती है। देखिए स्टोरेज सेवर, आप जैसे स्टोरेज सेवर अगर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर दोगे तो वीडियो की क्वालिटी कम करके इसे कम से कम 50-60 MB कर देगा। यदि आप एक्सप्रेस कर दोगे इस पर, इसको आप ऑफ कर दोगे, इस एक्सप्रेस को आप यदि सेलेक्ट करते हो दोस्तों तो 10-20 MB का ही वीडियो रहता है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है, बट आपका वीडियो सेफ यहाँ बैकअप हो जाता है। तो कितने कम MB में आप बैकअप यहाँ से कर सकते हो, आई होप आपने ये देख लिया। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है यदि आप कम MB में बैकअप लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका डाटा बच जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप मोबाइल डाटा यूजेस का ऑप्शन आता है, यदि आप दिन में केवल 10 MB, 20 MB या 30 MB का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अनलिमिटेड लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप चाहे जितना भी फोटोज़ वीडियोस क्लिक करो, बनाओ, सबका बैकअप आता रहे, होता रहे अपने आप, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, सारा बैकअप लेता रहेगा गूगल फोटोज़ अपने आप। बट दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप बैकअप विल रोमिंग पर क्लिक कर दीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए, तो आपका डाटा बच जाएगा और वाईफाई जैसे ही पाएगा गूगल फोटोज़ अपने आप बैकअप लेता रहेगा। तो वाईफाई सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप अनलिमिटेड करते हो तो आपका डाटा बच जाएगा, और आपको मेन फायदा ये होगा अब अनदर सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम चला पाओगे, और दोस्तों आपका बैकअप भी हो जाएगा। तो दोस्तों, वाईफाई का ऑप्शन बढ़िया है, अदरवाइज़ आपका कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज़ है, तुरंत आपको बैकअप करना है तो आप तब इसको ऑन कर सकते हैं मोबाइल डाटा को। सो आई होप ये सेटिंग भी आपको समझ में आ गई होगी।
अब चलते हैं बैकअप डिवाइस फोल्डर। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर बैकअप डिवाइस फोल्डर कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर का ऑन करके रखा है, यानी जो भी मैं कैमरा से फोटोज़ वीडियोज़ बनाऊँ, फोटोज़ क्लिक करूँ, वीडियो बनाऊँ, उसका केवल बैकअप चाहिए मुझे और किसी का बैकअप नहीं चाहिए। आप यदि चाहते हो इंस्टाग्राम के जो भी फोटो वीडियो आपको आते हैं उसका भी बैकअप चाहिए, या दोस्तों आप चाहते हो कि आपके व्हाट्सअप के डॉक्यूमेंट्स जो भी आते हैं, व्हाट्सअप इमेजेस जो भी आती हैं, वीडियोज़ आते हैं, आप जो भी व्हाट्सअप में आपके डाटा आता रहता है उनका भी बैकअप आपको बनाना है, तो आप इनको भी इनेबल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इनको ऑफ रखिए, जिसको आपका जिसका बैकअप चाहिए उसको ऑन कर सकते हैं, तो केवल उसी पर्टिकुलर चीज़ का बैकअप बनेगा गूगल फोटोज़ में, बाकी किसी का भी कुछ भी डाटा आता रहे कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ से कंप्लीट आप सेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों सेटिंग समझ में आ गई होगी दोस्तों। सो बस इतना ही था गूगल फोटोज़ के बैकअप सेटिंग में। यदि आप इतना सीख जाते हैं तो आप 100% बैकअप सेटिंग को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और गूगल फोटोज़ में बैकअप ऑन करने के फायदे आपने आई होप जान ही लिया है। तो दोस्तों मैं यही चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि इस मेल आईडी को आप बिल्कुल भी मत भुलाइएगा। ये मेल आईडी आप जब भी दूसरे फ़ोन पर भी डालोगे तो आपकी सारी फोटोज़ वीडियो जो आपको देखने को ये मिल रही हैं, तो ये सारी फोटोज़ वीडियोज़ आपको दूसरे फ़ोन पर भी सब कुछ मिल जाएंगी, क्योंकि आपने इसका बैकअप ले रखा है। आप देख सकते हो बैकअप ऑन है तो यहाँ पर बैकअप ले रहा है ऑटोमेटिक, है ना। तो इस तरह से आपने जो भी आज फोटो वीडियो मैंने क्लिक किया होगा उन सब का ये बैकअप बना रहा है। तो बस यही फायदा है दोस्तों कि ये बैकअप जो भी बना लोगे आप, तो इन फ्यूचर कभी भी आप फोन चेंज करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये मेल आई डी को गूगल फोटोज़ पर दूसरे मोबाइल पर डालोगे या फिर आप इसी मोबाइल पर जब भी डालोगे, जो भी मोबाइल लिए हो आप, तो आप आसानी से सारी फोटो वीडियो मिल जाएगी। सो इसका नुकसान कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको यूज़ करना चाहिए, आपको बैकअप जरूर ऑन करना चाहिए। सो आई होप आप बैकअप सेटिंग भी सीख गए हो मैनेज करना। थैंक यू, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।